मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर आजम का सस्ते रिहायशी मकानात के हवाले से बड़ा ऐलान। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि नया तवील मुद्दती इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा तैयार करेंगे। कैनेडियन वजीर आजम की सियासी हरीफ पियर पॉलिवर पर तनकीद। कनाडा में इमिग्रेशन के शोबे में मस्नूई जहानत का इस्तेमाल। इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना है कि हतमी फैसला इंसान ही करते हैं। कनाडा में जंगलात में लगी आग हुक्काम के लिए दर्द सर बन गई। हैलिफैक्स में मकामी हंगामी हालत का ऐलान। हजारों अफराद के इनखला के ऑर्डर जारी। तुर्किया में तारीख रकम। तैयब उर्दवान 20 साल इक्तदार बचाने में कामयाब। तैयब उर्दगान का कहना है कि कोई हारा नहीं, इस्तांबुल जीता, मिलकर तुर्किया की सदी बनाएंगे। सदर उर्दवान की जीत के बाद हामियों का जश्न, हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। कर्ज लेने की हद में इजाफे के बाद अमेरिका के दिवालिया होने का खतरा टल गया। वजीर खजाना ने यकम जून के करीब मुमकिन डिफॉल्ट के बारे में खबरदार किया था। बुध को अमरीकी कांग्रेस में वोटिंग होगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के मेयर्स को बताया कि उनकी हुकूमत मौसम खजा में मुल्क भर में सस्ते मकानात के स्टॉक को बढ़ाने के लिए एक नया तवील मुद्दती इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा तैयार करेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के मेयर्स को बताया कि उनकी हुकूमत मौसम खजा में मुल्क भर में सस्ते मकानात के स्टॉक को बढ़ाने के लिए एक नया तवील मुद्दती इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा तैयार करेगी। टोरंटो में फेडरेशन ऑफ कैनेडियन म्यूनसिपलिटीज की बिग सिटी मेयर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रूडो ने कहा कि वो मौसम खजा के मंसूबे की तफसीलात को महफूज करेंगे, लेकिन वादा किया कि उसका हाउसिंग से बहुत बराह रास्त ताल्लुक होगा। फरवरी 2021 में ट्रूडो ने ऐलान किया था कि वफाकी हुकूमत अवामी नकल व हमल के मंसूबों पर 8 सालों में तकरीबन $15 बिलियन खर्च करेगी। जुमे को उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के मंसूबे के पीछे मराठ ट्रांजिट प्लान की तरह होंगी। हाउसिंग के हामियों ने इस ख्याल का खैर मकदम करते हुए कहा कि बड़ी सरकारी सरमायाकारी को हाउसिंग से जोड़ना हाउसिंग के बहरान से निमटने का एक अहम तरीका है। ये वो चीज़ है जिसके लिए हम एक तवील अरसे से मुतालबा कर रहे हैं। रिहाइश एक जजीरा नहीं हो सकती। इसका मकसद कैनेडियंस को एक अच्छी जिंदगी देना है और अच्छी जिंदगी जुज़वी तौर पर आपके सर पर छत है, लेकिन ये उससे बढ़कर है। ट्रांजिट अहम है, सहूलियात अहम है, खुर्दा नौकरियां, हम पूरे पैकेज की जरूरत है। ट्रूडो ने कहा कि सस्ती रिहाइश के स्टॉक को बढ़ाने के लिए उनकी हुकूमत का नुक्ता नजर बल्दियात के साथ शराकत दारी में काम करना है। उसने पॉलिवर पर इल्जाम लगाया कि वो उन्हें धमकी देना चाहता है। ट्रूडो ने कहा वो आपके साथ झगड़ा करना चाहते हैं, आपको इस बात पर धौंस देना चाहते हैं जो वो आपके लिए फैसला करते हैं, जबकि वो फंडिंग और प्रोग्राम्स में कमी करते हैं। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि पॉलिवर का नुक्ता नजर बहुत सादा और इनफरादी बिरादियों की पेचीदा जरूरियात का एहतराम नहीं करता। कनाडा के इमिग्रेशन, शहरियत और पनाह गुजीनों के वजीर शॉन फ्रेजर का कहना है कि नई टेक्नोलॉजी ने उनके महकमे में प्रोसेसिंग के औकात को बहुत तेज कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के इमिग्रेशन, शहरियत और पनाह गुजीनों के वजीर शॉन फ्रेजर का कहना है कि नई टेक्नोलॉजी ने उनके महकमे में प्रोसेसिंग के औकात को बहुत तेज कर दिया है।
लेकिन वो इसरार करते हैं कि मस्नूई जहानत इमिग्रेशन की दरख्वास्त मंजूर होने के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं कर रही है। फ्रेजर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने नई एडवांस्ड एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी को बड़े असर के लिए इस्तेमाल किया है। फ्रेजर ने कहा, हम उन नई टेक्नोलॉजीज को अपने इमिग्रेशन सिस्टम की वसी इकसाम में इस्तेमाल करते हैं और जो कुछ हमने देखा है वो पैदावारी सलाहियत में बड़े पैमाने पर इजाफा है। शॉन फ्रेजर ने टेक्नोलॉजी की नौइयत की वजाहत नहीं की, लेकिन उसके बजाय इसरार किया कि IRCC में इंसानों का अब भी किरदार है। फ्रेजर ने कहा कि अमल की सालमियत के तहफ्फुज़ के लिए इंसानी अफसर की तशखीस की ज़रूरत है। फ्रेजर का ऐलान आर्जी रिहायशी वीज़ा दरख्वास्त दहिंदगान के लिए नए निज़ाम के इस्तेमाल के बारे में था, जिसका इरादा कनाडा में ख़ानदान के अफराद को दोबारा मिलाना था। नया निज़ाम उन लोगों की शनाख्त के लिए जदीद तजियात का इस्तेमाल करता है जिनके पास सिस्टम में मुस्तकिल रिहायश की दरख्वास्त है और उनके वीज़े को ज़्यादा तेज़ी से कनाडा जाने के लिए मंजूर किया जाता है। शॉन फ्रेजर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तब्दीली का वक्त अब कम होकर 30 दिन रह सकता है। कनाडा के मुख्तलिफ इलाकों में जंगलात में लगने वाली आग हुक्काम के लिए दर्द सर बन गई। हैलिफैक्स रीजनल म्यूनसिपलिटी ने जंगल की आग से मुतासर कम्युनिटीज में मुकामी हंगामी हालत का ऐलान किया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के मुख्तलिफ इलाकों में जंगलात में लगने वाली आग हुक्काम के लिए दर्द सर बन गई। हैलिफैक्स रीजनल म्यूनसिपलिटी ने जंगल की आग से मुतासर कम्युनिटीज में मकामी हंगामी हालत का ऐलान किया है, जिसकी वजह से मकामी आबादी को हजारों अफराद का इनखला, स्कूलों की बंदिश और बिजली की बंदिश जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। एक न्यूज रिलीज में म्यूनसिपलिटी ने कहा कि हंगामी हालत 7 दिन तक जारी रहेगी, जब तक कि दूसरी सूरत में उठा लिया जाए या तौसीना की जाए। म्यूनसिपलिटी ने कहा कि इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट के तहत हंगामी हालत का ऐलान करना म्यूनसिपलिटी को आला सतह का बैनुल हुकूमती हम आहंगी हंगामी सवाब दीदी फंड्स तक रसाई इजाफी इमदाद तंजीमों और कारोबार को नकल मकानी करने वाले मकीनों की मदद के लिए मुतहरिक करने की सलाहियत फराहम करता है। नोवा स्कोशिया RCMP ने अपर टेनल्टन हेमंड स्प्रिंग्स एरिया में कई सब डिविजन्स के रिहायशियों को तेजी से फैलती हुई जंगल की आग के पेश नज़र अपने घर छोड़ने का हुक्म दिया है। अपर टेनल्टन NS में वेस्ट वुड हिल्स सब डिवीजन ने सबसे पहले इनखला शुरू किया, क्योंकि आग ने कम से कम 10 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। हैलिफैक्स के रीजनल फायर एंड एमरजेंसी डिस्ट्रिक्ट चीफ रॉब हैब ने कहा कि दर्जनों अमला आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। एक हेलीकॉप्टर जाए वकुआ पर था और दूसरा रास्ते में था। नोवा स्कोशिया पावर ने पहले जवाब दहिंदगान को महफूज तरीके से काम करने में मदद करने के लिए इलाके में आर्जी तौर पर बिजली मुनक़ता कर दी है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि आज कोई हारा नहीं, इस्तांबुल जीता, मिलकर तुर्किया की सदी बनाएंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि आज कोई हारा नहीं, इस्तांबुल जीता, मिलकर तुर्किया की सदी बनाएंगे। तुर्किया के सदारती इंतखाबात के हतमी मरहले में रजब तैयब उर्दवान 50% से जायद वोट लेने में कामयाब हो गए। अमीर कतर समेत दुनिया भर से मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। अंकारा में सदारती महल के सामने लाखों लोग तीसरी मरतबा मुंतखब होने के बाद सदर उर्दवान की विक्ट्री स्पीच सुनने के लिए पहुंच गए। सदारती इंतखाब में रजब तैयब उर्दवान की तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल करने के बाद मुल्क भर में उनके हामी सड़कों पर निकल आए। हजारों अफराद इस्तांबुल में उनके घर के बाहर जमा हो गए, जहां उन्होंने मुख्तसर खिताब भी किया। तुर्किया के सदारती इंतखाब के हतमी मरहले में कामयाबी के बाद सदारती महल से आवाम के बड़े मजमे से खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि आपने हमें दोबारा ये जिम्मेदारी दी है, हम सब मिलकर इसे तुर्किया की सदी बनाएंगे। सदर उर्दवान का कहना था कि आज कोई नहीं हारा, आज का फतेह सिर्फ और सिर्फ तुर्किया है। ये फतह तुर्किया के तमाम 8.5 करोड़ बाशिंदों की फतह है। ये जमहूरियत की फतह है। आइंदा 5 साल के लिए हुकूमत की जिम्मेदारी सौंपने पर हर एक का शुक्रिया। उनका मजीद कहना था कि तुर्किया की तारीख के सबसे अहम इलेक्शन में से आपने तुर्किया की सदी का इंतखाब किया। ये वक्त मुत्तहिद और इकट्ठा होने का है, अब ये काम करने का वक्त है। रजब तैयब उर्दवान पहली मरतबा 2003 में बतौर वजीर आजम इक्तदार में आए, जिसके बाद वो दूसरी मरतबा मुल्क के सदर भी रहने के बाद तीसरी मरतबा सदारती इंतखाब में कामयाब हो चुके हैं। अमरीका में हिजब इख्तलाफ की रिपब्लिकन पार्टी के सरकर्दा रहनुमा कियान मैकार्थी और सदर जो बाइडन ने हफ्ते को एक माहदे का ऐलान किया है, जिसके तहत हुकूमत की कर्ज देने की हद में इजाफा हो जाएगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
अमरीका में हिजब अख्तिलाफ की रिपब्लिकन पार्टी के सरकर्दा रहनुमा केवन मैककार्थी और सदर जो बाइडन ने हफ्ते को एक माहदे का ऐलान किया है जिसके तहत हुकूमत की कर्ज लेने की हद में इजाफा हो जाएगा। माहदे के तहत अमरीका दिवालिया होने के इस खतरे से निकल आएगा जिसके हवाले से एक्स डेट में चंद रोज बाकी हैं। बाइडन ने अपने बयान में कहा कि यह माहदा अमरीकी आवाम के लिए अच्छी खबर है क्योंकि जो इस सूरत हाल को रोकता है जो तबाहकुन डिफॉल्ट हो सकती थी और उससे मौशी बहरान पेंशन अकाउंट्स तबाह और लाखों मुलाजमतें खत्म हो सकती थीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्जा लेने के हुकूमती इख्तियार में इजाफे पर माहदे पर बुध को अमरीकी कांग्रेस में वोटिंग होगी। ये वोटिंग उस एक्स डेट से महज 5 रोज कबल होगी जब अमरीकी वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत अपने अखराजात के लिए अदायगी करने के काबिल नहीं रहेगी और दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बहरान का शिकार हो जाएगी। ख्याल है कि कर्जा लेने की हद में इजाफा एक तरीका कार जो ज़्यादातर कई साल किसी से तनाज़े के बगैर होता आया है। ये तरीका हुकूमत को कर्जा लेने का अमल जारी रखने और मसला हल करने की सहूलत फराहम करता है। इस साल रिपब्लिकन अरकान ने कर्ज की हद को बढ़ाने के बदले में बड़े पैमाने पर अखराजात में कमी का मुतालबा किया। उन अखराजात में ज़्यादातर गरीब अफराद पर खर्च की जाने वाली रकम है। रिपब्लिकन्स का कहना है कि मुल्क के 31 खरब डॉलर के बड़े कर्जे से निमटने के लिए कड़वी गोली निकलने का वक्त आ गया है। वजीर ख़जाना जेनेट येलन ने इब्तदाई तौर पर 1 जून के करीब मुमकिन डिफ़ॉल्ट के बारे में खबरदार किया था कि अगर कांग्रेस कर्ज लेने की हद को बढ़ाने में नाकाम रही, लेकिन जुमे को उन्होंने डेडलाइन को 5 जून तक बढ़ाकर कानून साजों को मजीद कुछ वक्त दे दिया। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।